किया हुआ है कि देखो सर, अभी 2-3 साल हो गए हैं हमें संजुआ में भर्ती हुई थी, तो संजुआ में भर्ती हुई थी, अभी इसके लिए कोई रिटर्न का कोई कुछ नहीं आया, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई कुछ नहीं। तो जो सर ये बंदे हैं, जो लड़के हैं, यूथ हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? अभी ये बोला हुआ है इन्होंने 4 साल के लिए भर्ती निकाली गई है, 4 साल के लिए भर्ती निकाली गई है, उसके बाद कहाँ जाएंगे लड़के सर? दिहाड़ियाँ लगाएंगे? ये तो अपना देख लेंगे, बीजेपी सरकार हर एक सरकार देख लेगी अपना, तो बाकी कहाँ जाएंगे सर? उसके बाद दिहाड़ियाँ लगाएंगे? क्या लगता है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है सर, और क्या हो रहा है, खिलवाड़ ही हो रहा है, 4 साल के बाद खिलवाड़ ही होगा और क्या होगा। हम तो यही चाहते हैं ये टूटना चाहिए, जो 4 साल के लिए भर्ती के लिए जो दिए हुआ उन्होंने, ये टूटना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि भर्ती बढ़ा दिया जाए, जैसे पहले भर्ती थी वैसे होने चाहिए। 370 टूटने के बाद युवाओं को कितना फायदा हुआ सर? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ सर। सर ये लड़के देखो सर, क्या फायदा, ये दिख रहा है कुछ भी किसी को? ये फायदा दिख रहा है? अभी बिहार में देखो सर कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में देखो कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, कितना जम्मू एंड कश्मीर में देखो कितना प्रोटेस्ट चल रहा है सर। भर्ती नहीं कुछ जम हो रहा है, उसके रिलेटेड हो रहा है सर। हमारी भर्ती 2019 से फॉर्म लगे थे और आज तक उसका रिटर्न नहीं हुआ। 2020 में हमारा फिजिकल प्लस मेडिकल क्लियर किया था, उसके बाद 2022 में 2021 में सर हर महीने नई नई डेट दिए थे, इस महीने आपका रिटर्न होगा, इस महीने आपका रिटर्न, नई पॉलिसी लाई टीओडी जो कि बिल्कुल बेकार है, उसके 4 साल के लिए उसको युवा को भर्ती किया जाएगा, उसके बाद उसको बाहर निकाल दी जाए, रिटायर कर दी, ना ही उसको कोई पेंशन मिलेगी, ना ही उसको कोई प्रॉफिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसके रिलेटेड 4 साल के बाद जैसे ही वो रिटायर होकर घर आएगा, उसको एक सिविलियन की सिटीजन मिल जाएगा। बीजेपी सरकार करता रहे इस देश की, आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार हमारा तो बोर्ड उनको मिलेगा नहीं, जैसे कि श्रीनगर में मिलीटेंट होते ना, वैसे कठुआ में योगी जाकर जी ऐसा काम करेगी। उनको पता भी है कि युवा आर्मी के जाने के लिए कितना उनको कष्ट करना पड़ता है, सुबह उठ के दोपहर को दौड़ गाओ, शाम को दौड़ गाओ, मेडिकल उसका प्लस इसका फिजिकली इतना ही बुरा था, आपको पता ही है कैसे 300-400 ये लक्ष्य करने आते हैं सर। हमें पैसे कोई वो मतलब नहीं है, पैसे लेने हो तो हमें फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी लग सकते हैं, उधर भी हमें पे मिल सकती है, पर नहीं, हमें अपने अपने देश के लिए रक्षा करनी है हमें सर। और बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, बीजेपी सरकार चोर है, चोर है सर बीजेपी सरकार। जैसे कश्मीर में पत्थर चलता है ना, जैसे कश्मीर में पत्थर चलता ना, फिर सोचेंगे कठुआ में वैसे ही पत्थर चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम जान से उठेंगे नहीं, और अगर कुछ भी किया जैसे सर, और हमें एक ही विनती करते हैं सर, जैसे कल जम्मू में जेकेबी पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज शुरू किया था, लेकिन हमारी जेकेबी सरकार क्या अच्छा नहीं हो रहा सर, कुछ ऐसा नहीं हो रहा सर। 4 साल के लिए क्या करना है, 4 साल के कहाँ गया मेरा रिटर्न, कहाँ गया, कहाँ जाएगी सर टीओडी? हमें रेगुलर आर्मी चाहिए, कहाँ से आई सर टीओडी, क्या है टीओडी? आने वाले चुनावों में किस तरह से साड़ी साड़ी सारी चिर सरकार की 40-40 कोई नहीं होगा, सीधी सी बात है। बाहर देख लो प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है सर, लोग ट्रेनें फूंक रहे हैं, कितना कितना कर रहे हैं, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करा, अभी तक कुछ नहीं किया हमने। आने टाइम जब हमारा डिसीजन नहीं आया, हम भी उससे भी दुगना प्रोटेस्ट करेंगे। होटल नटराज, नटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं, तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाएं होटल नटराज के संग। रूम बुकिंग के लिए कॉल करें 8082128444 पर। सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस होटल में आने, आइए, और तमाम फैसिलिटीज है हमारे पास, खाने पीने की पूरी सहूलियत मिलेगी आपको, वेज नॉन वेज, हमारे पास रूफ टॉप भी है, आप क्लाइमेट का एंजॉय कर सकते हैं खाते।